बैतूल जिले में रविवार को रामकिशोर दयाराम पंवार रोंढावाला की अजब गांव की गजब दास्तां पुस्तक का विमोचन किया गया। सांसद दुर्गादास उइके ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना की और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं इस दौरान आमंत्रित अतिथियों को पुष्पमाला से स्वागत किया गया। बैतूल जिले से चुने गए भाजपा सांसद दुर्गादास उइके ने जन्म देने वाली मां की महिमा का बखान करते हुए कहा कि मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूं जिसने अपने और लेखक रामकिशोर दयाराम पंवार के माता पिता के साथ चारों धाम की यात्रा की है। लेखक और उसके परिवार के साथ साथ अपने पुराने संबंधों का जिक्र करते हुए सांसद ने कहा कि आज के कार्यक्रम में उपस्थित लेखक की माता कस्याबाई पंवार को संबोधित करते हुए कहा कि माँ की मौजूदगी किसी भी कार्यक्रम में चार चांद लगा देती है। माता पिता की सेवा का सौभाग्य हर किसी को मिलता नहीं और जननी और जन्मभूमि दोनों ही माता होती है। आज रामकिशोर पंवार ने अपनी जन्मभूमि की महिमा को किताब का रूप देकर उसका कर्ज अदा कर दिया है, तो वहीं पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में ग्राम रोंढा के दो जन्मे दर्जन से अधिक शासकीय सेवानिवृत्त एवं शासकीय सेवारत लोगों तथा सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों को शाल व श्रीफाल से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महाकौशल की संस्कारधानी नगरी जबलपुर में पधारे अंतर्राष्ट्रीय कवि माधुकर एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जहाँ जैसे पुराने जमाने विश्वविद्यालय थे, ऐसा रोंडा का विद्यालय था, माध्यमिक सड़क यहाँ पे बाहर आसपास के 12 गांव के लोग पढ़ने आते थे और ये गांव संपूर्ण रूप से साक्षर गांव है। चारों तरफ से कृषि से घिरा हुआ गांव है और इस गांव की आबादी 2000 से आज तक ऊपर नहीं बढ़ी। ये अपने आप में एक बेमिसाल है। गाँव ने अपने आप को हर प्रकार से नियंत्रित किया है। तो मैं चाहूंगा कि जब भी कभी आप जब देश की चर्चा करें, कभी बात करें, तो लोगों को बताएं कि भारत में ऐसे भी गांव है जो गांव अपने आप में बेमिसाल है। और इन्हीं मंशा के साथ में अपनी जो लेख की मेरी जो मंशा थी, भारत में 7 गांव है रूंढा, भारत में 7 गांव है रूंढा। मैंने पिन कोड से डीएम की जानकारी और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विदेशों में भी रूंढा है। तो सोचो मेरे गाँव का कितना नाम है। मैंने उसका भी जिक्र किया। स्पेन के पास एक शहर है, वहाँ पर रूंढा नाम का है। ये मैंने खोज की मेरे गांव की, मैंने पता किया, मैंने खोजबीन की। जैसे कहते हैं मोहन जोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में क्या मिला, मुझे इंटरनेट पे मेरे गांव के बारे में और मैंने दूसरे लोगों को मेरे गांव से जोड़ने की मैंने कोशिश की, एक प्रयास किया। 84 पेज की पुस्तक आपके पास में है। मैं हमारे श्रद्धेय सांसद महोदय से एक निवेदन करूंगा। हमारपुर से कवि महोदय माथुरकर जयपुरी भी आए हैं। इनके बारे में बता दूं कि माथुरकर गुरुजी जो यहाँ पे थे उनके भतीजे हैं और जब इनको पता चला कि उनके बड़े पापा के बारे में ही पुस्तक लिखा है तो जबलपुर से कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आई इधर। जब हम पिक्चर देखते थे, जब हम सिनेमा देखते थे तो हमेशा गीतकार के नाम आते थे, हसरत जयपुरी, साहिल लुधियानवी, लखनवी, मिर्जापुरी, गोरखपुरी, ऐसे नाम आते थे गीतकारों की। और अक्सर लोग अपने साथ अपने गांव का नाम जोड़ते थे, शहर का नाम जोड़ते थे। मैं किशोर कुमार से प्रभावित हुआ। किशोर कुमार ने जब अपना नाम किशोर कुमार खंडवा वाला लिखना शुरू किया तो मैंने कहा भाई जब वो खंडवा वाला हो सकता है तो मैं रूंढा वाला तो जरूर बन सकता हूँ। तो फिर मैंने अपनी लेखनी को एक नई दिशा दी। रामकिशोर दयाराम पंवार रूंढा वाले के नाम से मैंने अपना एक लेखन काम शुरू किया। इस किताब को लिखने में यूँ तो बहुत सारे लोगों का योगदान है, पर जिनका जिक्र करना चाहूँगा, जो घटनाओं मुझे पता नहीं थी इस रूंढा के बारे में, मेरा जन्म यहाँ पे हुआ, मैं रूंढा की बहुत सारी जानकारी के बारे में नहीं जान पाया। जो मुझे जानकारी गुड़ जानकारी थी परम सत्य गुलाबराव जी कालभोर ने, एक ऐसी जानकारी दी जो मुझे भी पता नहीं, जो मेरे ससुराल से जुड़ी हुई थी। हमारे ससुराल से हमारे ससुराल पक्ष के डॉक्टर एन आर कालभोर जी रायपुर में थे। जब वो वापस आए रायपुर छोड़ के, उतना बड़ा महानगर छोड़ के जब वापस आए तो उन्हें आने की मंशा बताई कि शहर में आपको कंधा देने के लिए 4 लोग नसीब नहीं होंगे, अपने गांव चलो, कम से कम 4 नहीं तो 40 तो जमा हो ही जाएंगे। ये गांव का प्रेम जो उनको यहाँ खींच लाया रोंढा के करीब। तो मैंने उस दिन से ठान लिया कि कहीं कुछ हो ना हो, अगर मैं 60 किलोमीटर दूर बैतूल आ सकता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि रोंढा तो कम से कम पहुँचूँ। हम लोग जब गाँव छोड़ के गए थे परिस्थिति ऐसी थी कि हम अपना घर भी बचा नहीं पाए, एक घर बेचना पड़ा और दूसरा घर हमारा बरसात में ढह गया। परिस्थिति बस पिताजी ने जो हमारी पढ़ाई लिखाई कराई उसके बाद हम आगे बढ़े। तो हमने कोशिश की कम से कम गांव में कुछ ठौर ठिकाना ढूंढा जाए,
कोशिश की गांव का पुराना मकान चाचा बाबा का कोई अगर मिलता है तो ले लिया जाए, बहुत कोशिश की, हाथ पर मारे नहीं हुआ। 2 एकड़ जमीन हमारे दादा यहाँ लेके गए थे, पास में रास्ते में है, उस जमीन को बेचने के लिए तीनों भाई, और जैसे चाचा तो हमारे पता ही नहीं कहाँ चले गए, 2 भाइयों के बीच में जरा ये रहा कि वो बोले मैं बेचूंगा इतनी कीमत उतनी कीमत, वो झगड़े में पड़ गई जमीन, आखिर दोनों के जीवित हाल में जमीन बिक नहीं पाई। जब बंटवारा हुआ तो हमने, जब जमीन का बंटवारा हुआ तो भाई बंटवारा हुआ तो 4400 स्क्वायर फीट जमीन मेरे हिस्से में आई, तो मैंने कहा आप रोंडा में आ सकता हूँ मेरा घर बन सकता है, मैं रोंडा में आ सकता हूँ मेरा घर बन सकता है, और मैं आके कम से कम अगर गांव आ गया तो लगभग मेरी 8-10 साल उम्र बढ़ जाएगी, इसलिए गांव आने की मेरी मंशा ये थी। और गांव को, गांव आया तो मेरे गांव को लोग दुनिया पहचाने, मेरे गांव की खासियत पहचाने। इस पूरी किताब के 84 पन्ने में ऐसी एक भी भ्रामक जानकारी नहीं है जिसको कोई असत्य से साबित कर दे कि रोंडा के बारे में आपने गलत लिखा। मेरा गांव वो गांव है, द्रोणाचार्य का गांव है, सबसे अधिक बैतूल जिले में मास्टर मेरे गांव ने दिए। मुझे गर्व इस बात का कि मेरे गांव के पढ़ाए लोग कई बार जब मिलते हैं तो जब बातचीत हो बताते मैं तुम्हारे गांव में पढ़ा हूँ, तो कुछ ऐसे बोलते तुम्हारे गांव के मास्टर ने मुझे पढ़ाया, तो इससे खुशी होती है कि द्रोणाचार्य का गांव है। गांव का हमेशा नकारात्मक पक्ष उभर के आ जाता, सकारात्मक पक्ष कभी नहीं आता, ये सकारात्मक एक पहल है। गांव मैं मानता हूँ, मेरा गांव मेरी जन्मभूमि, कुछ कारणों से अपवादों से हो सकता है लोगों के बीच में ऐसा कुछ गांव की छवि बनी, पर मैं फिर कहना चाहता हूँ दुनिया में रोंडा जैसा कोई गांव आपको नहीं मिलेगा, ये रोंडा अपने आप में बेमिसाल रोंडा है, ये अजब गांव है, इस अजब गांव की गजब दास्तान है पूरे 84 पन्ने में आपको मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी। बेतुल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।